हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप इंग्लिश आसानी से सीख पाओगे। करंट अफेयर के साथ साथ आप इंग्लिश अपना रिवाइज कर सकते हो। जी हाँ, ये मैं बिल्कुल ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि बहुतों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर इंग्लिश का वर्ड याद कर लेते हैं, ग्रामर पढ़ लेते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में, PQRS वाले पार्ट में, ग्रामर से रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट आता है, क्लोज टेस्ट आता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह इसको फॉलो करना है। जैसे आप ये न्यूज़ पढ़ो, इंडिया कैन होस्ट COP 33 इन 2028, PM प्रपोजेस एट COP 28। ये आपको न्यूज़ मिल गई, ठीक। न्यूज़ मिलने के बाद आपके पास तीन चीज़ें आनी चाहिए। पहली कि ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है, तो कॉप से रिलेटेड है। दूसरी, कॉप है क्या, तो कॉप क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये काम करती है, मीटिंग होती है, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या होना चाहिए ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं। तीसरा चीज, कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है, तो UAE इसको होस्ट कर रही है, और हमारे तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए हुए हैं। न्यूज़ खत्म। ये न्यूज़ हो गया आपका। न्यूज़ के बाद आपको इसमें इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना है, तो इसमें ग्रामर का स्ट्रक्चर और इस जो इसमें वोकैबलरी है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि आप ग्रामर अलग से पढ़ते हो, वर्ड अलग से याद करते हो, और जैसे ही एग्जाम में एंटोनिम सिनोनिम्स आता है आप कर देते हो, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जब क्लोज टेस्ट आ जाता है, PQRS आ जाता है, पैराग्राफ आ जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो उसमें आपको ग्रामर को मिलाकर पढ़ना होगा, उसमें जो वर्ड मीनिंग आ रहा है वो समझना होगा। आपको आज मैं बता रहा हूं और आपको डेली करना है। देखो, अब ये न्यूज़ पढ़ो, इंडिया कैन होस्ट COP 33 इन 2028। यहां पे देखो कैन क्या है, आपने मॉडल वर्ब पढ़ा होगा, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है हमेशा, ये आपको बताया गया होगा। सो इंडिया कैन होस्ट, ये हो गया आपका। COP 33 इन प्रीपोजिशन है 2028। इस तरीके से तोड़ के लिंक करके आपको पढ़ना है, और अभी आपको टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड अपने आप लिंक करता हुआ जाएगा, और देखना एग्जाम में आपका ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। इंडिया कैन होस्ट COP 33 इन 2028। उसके बाद वो क्या है, PM प्रपोजेज एट COP 28। इसका क्या मतलब है, देखो परपोजेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि वर्ब के साथ एस और ईएस लगा हुआ है, और आपने ये रूल पढ़ा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब न्यूज़ की बात आती है तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। देखो इस तरीके से रिवीजन होता है डियर, ऐसा नहीं है कि सर ने पढ़ा दिया है, कॉपी खोल के हम रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। तो आप देखो क्या है यहाँ पे, PM परपोजेज एट COP 28, यहाँ पे न्यूज़ की बात हो रही है, और यहाँ पे इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हो रखा है। ये हो गया हेडलाइन। अब आते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नीचे। प्राइम मिनिस्टर सेड, कोटेशन मार्क है, आपको यहाँ से आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, डायरेक्ट स्पीच की। नरेशन में आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, कोटेशन मार्क लगाते हैं, और जैसा स्पीकर ने बोला था वैसा ही हम बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वी हैव टू बी एम्बिशियस। एम्बिशियस एक वर्ड आ गया। एम्बिशियस का क्या मतलब होता है, महत्वाकांक्षी, हमें अपने लक्ष्य के लिए महत्वाकांक्षी होना चाहिए। तो यहाँ पे होना चाहिए, होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, है ना, सोना पड़ेगा, तो हम हैव टू का यूज़ करते हैं। सो वी हैव टू बी एम्बिशियस, वी हैव टू गो मार्केट, वी हैव टू स्लीप। हैव टू का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है ना डियर, तो यहाँ पे हैव टू का किस तरीके से यूज़ हो रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। हैव टू के बाद बी यूज़ हो रखा है, जो कि एक वर्ब का फॉर्म है, और बी के ही बहुत सारे फॉर्म होते हैं, इज आर एम, लेकिन यहाँ पे एक मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, होने का सेंस दे रहा है, इसीलिए बी यहाँ पे यूज़ हो रखा है। वी हैव टू बी एम्बिशियस, हमें महत्वाकांक्षी होना पड़ेगा। वी मस्ट रिजॉल्व दैट एनर्जी ट्रांजिशन शुड बी जस्ट इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। वी मस्ट रिजॉल्व का क्या मतलब है, देखो फिर मस्ट का यूज हो रखा है। मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब, ये फीलिंग आनी चाहिए कि यहाँ पे मस्ट का क्या सेंस दे रखा है, ऑब्लिगेशन का, नेसेसिटी का, जरूरत का। मस्ट का हम कब यूज करते हैं मॉडल में, मॉडल वर्ब जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आप मूड की ही तो बात करते हो कि किस भाव से किसी चीज़ को व्यक्त किया जा रहा है। मॉडल वर्ब को बहुत ही डिटेल में मैंने कराया हुआ है, एकदम छोटा छोटा करके, और कोई बच्चा भी उसको समझ सकता है।
तो आप वहाँ पे मॉडल वर्ब देख सकते हो। बाकी आने वाले टाइम में सारा टॉपिक आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो यहाँ पे देखो, वी मस्ट रिजॉल्व, रिजॉल्व का क्या मतलब है? रिजॉल्व का ये मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए संकल्प लेते हो ना, तो यहाँ पे वो बात हो रही है कि हमें पक्का मस्ट है कि हमें संकल्प लेना पड़ेगा किस चीज़ के लिए, कि जो एनर्जी है, जो यहाँ पे दैट आ रखा है, एनर्जी ट्रांजिशन शुड बी जस्ट इंक्लूसिव। एनर्जी ट्रांजिशन का क्या मतलब है? आप अलग अलग वर्ड मीनिंग याद करोगे। ट्रांजिशन में आपने सुना होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने को ट्रांजिशन बोलते हैं, लेकिन ट्रांजिशन का एक्चुअल मतलब पता है क्या होता है? जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब बदल रहे होते हैं ना, तो उस बदलने वाले प्रोसेस को ट्रांजिशन बोलते हैं। बदल गया उसको नहीं, अभी बदल रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज की यहाँ बात हो रही है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग जो कोयला, कोयला से जो एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, पेट्रोल से, उससे अब आगे बढ़कर हम आगे हैं किस पे? रिन्यूएबल एनर्जी पे, जो सन से, सोलर से एनर्जी हमें यूज़ करनी चाहिए, है ना, पोल्यूशन नहीं होगा। तो ये ट्रांजिशनल, ट्रांजिशन फेज़ में है, मतलब अभी हुआ नहीं है, अभी बदलाव हो रहा है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है, वी मस्ट रिजॉल्व दैट एनर्जी ट्रांजिशन शुड बी जस्ट इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, आपने सुना होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ का ये मतलब होता है कि चारों तरफ से सब में विकास होना चाहिए, सारे लोग उसमें सुखी होने चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ उसको बोलते हैं, सब कुछ मिलाकर, एंड इक्विटेबल बराबरी से। तो यहाँ पे ये सेंस दिया जा रहा है कि जो एनर्जी का बदलाव हो रहा है, इस तरीके से होना चाहिए कि सबका विकास हो, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी, और जो आसपास जो हमारा इन्वायरमेंट है, आम लोग हैं, उनके लिए भी ये सही हो। उसके बाद क्या लिखा है? वी हैव टू बी इनोवेटिव। इनोवेटिव का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ में हम कोई नई चीज़ का टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करते हैं, दिमाग लगाकर, उसको हम लोग इनोवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें इनोवेटिव भी होना पड़ेगा। वी मस्ट रिजॉल्व टू, देखो फिर आ रखा है वी मस्ट रिजॉल्व टू, अगेन हमें संकल्प लेना होगा किस चीज़ का? कंटिन्यूसली डेवलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को इस तरीके से इनोवेट करना है कि क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छा हो। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे, तो आपका न्यूज़ भी कवर होगा और इंग्लिश साथ ही साथ रिवाइज होगा। आप साथ ही साथ जीके और इंग्लिश दोनों पढ़ लेते हो। तो ये मुझे बताना था आज। आई होप आप लिंक कर पा रहे होंगे, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपके साथ हमेशा एक ऐसा ही छोटा सा पैराग्राफ लेके और रिवीजन के तौर पे मैं आपके साथ आ सकता हूँ। आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि सर अकेले बैठ के इतना डिटेल में मैं कैसे करूँगा, तो मैं इसकी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा अगर आप चाहोगे तो। अदरवाइज जो बच्चे यहाँ पे टाइम नहीं देना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप कहीं भी ग्रामर पढ़ रहे हो, कहीं भी इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप उस टीचर के नोट्स एक बार पढ़ लिया, एक बार आपने रिवाइज कर लिया, इट इज़ मोर देन इनफ। अब आप क्या करो, इंग्लिश उठाओ, इंग्लिश की बुक उठाओ, न्यूज़ पढ़ो, और उसमें पूरा ग्रामर को जो है, वोकैबुलरी जो है, पूरा लिंक करो। न्यूज़ का ये फ़ायदा है कि करंट अफेयर एग्जाम में आता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब न्यूज़ पढ़ते हो तो एटलीस्ट ये प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो। तो ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे और आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। बाय, थैंक यू।